कुछ इंटरनेट यूजर्स ऐसे होते हैं जो आपके ऑनलाइन स्टोर पर आएंगे, आपका प्रोडक्ट पसंद करेंगे और तुरंत ऑर्डर कर देंगे। वहीं कुछ यूज़र्स ऐसे भी होते हैं जो आपके स्टोर पर आएंगे, प्रोडक्ट चेकआउट करेंगे और बिना कुछ लिए चल देंगे। इन दो प्रकार के इंटरनेट यूजर्स में से आप कौन से यूज़र्स को अपने ऑनलाइन स्टोर पर बुलाना चाहेंगे? पहले टाइप के ना, पहले वाले यूज़र्स वो हैं जिनका ख़रीदने का इंटेंट यानी कि इरादा ज़्यादा होता है और ये सभी ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स के फेवरेट होते हैं। लेकिन ऐसे हाई इंटेंट वाले ट्रैफिक यूजर्स आपको कहाँ मिलेंगे या फिर आप उन तक कैसे पहुँच सकते हो? जब भी कोई कस्टमर कुछ खरीदने के इरादे से ऑनलाइन आता है तो वो सीधा उस प्रोडक्ट को गूगल करता है। गूगल तो वहीं से शुरू करते हैं ना। कहाँ का जवाब मिल गया तो कैसे पे ध्यान देते हैं, कैसे आप इन हाई इंटेंट वाले कस्टमर्स तक पहुँच सकते हैं? इसका सीधा जवाब है गूगल मर्चेंट सेंटर। हाय, मैं हूँ श्रुति और इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल मर्चेंट सेंटर की इम्पोर्टेंस के बारे में कि कैसे आप इसे अपने दुकान स्टोर से कनेक्ट कर सकते हैं GMC प्लगइन के इस्तेमाल से और ज़्यादा ऑर्डर पा सकते हैं। गूगल मर्चेंट सेंटर बना है ताकि बिजनेसेस अपने स्टोर्स और प्रोडक्ट की जानकारी मिलते जुलते गूगल सर्च के समय दिखा सके। एग्जाम्पल के तौर पे, जब भी कोई गूगल पर ब्लैक लैपटॉप बैग लिख के सर्च करता है, उसे रिलेटेड प्रोडक्ट की लिस्ट दिखाई जाती है, प्रोडक्ट की अन्य जानकारी के साथ जैसे नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइसेस एक्सेट्रा। और ये मुमकिन है बिजनेसेस को गूगल मर्चेंट सेंटर से कनेक्ट करने के कारण। GMC के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि आप आसानी से प्रोडक्ट्स के लिए रेलेवेंट गूगल शॉपिंग एड्स बना सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड रीमार्केटिंग एड्स से वापस स्टोर पे ला सकते हैं। प्रोडक्ट रिव्यूज और रेटिंग से कस्टमर्स को आकर्षित कर सकते हैं। आप अपने डायरेक्ट कस्टमर्स को अपने लोकल स्टोर पे ले जा सकते हैं अगर आपका लोकल स्टोर हो। गूगल मर्चेंट सेंटर को ऑनलाइन स्टोर से इंटीग्रेट करने पर जब भी आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स या प्राइसिंग चेंज करेंगे, वो गूगल पर अपने आप ही बदल जाएगा। तो आप गूगल मर्चेंट सेंटर का इस्तेमाल कैसे शुरू कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल मर्चेंट सेंटर पे अकाउंट बनाना होगा, जिसका लिंक ये है और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां जाकर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और सारी जरूरी जानकारी भरें, फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। एक बार आपने सारी जानकारी भर दी तब आपका गूगल मर्चेंट सेंटर डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा। इस विंडो में वेबसाइट टैब पर जाएं और अपने दुकान स्टोर की URL पेस्ट करें। एक बार आपने वेबसाइट का URL डाल दिया तब एक टैग जनरेट होगा, उस टैग को कॉपी करें। अब चलते हैं आपके दुकान स्टोर पर। अब बारी है आपके दुकान स्टोर को गूगल मर्चेंट सेंटर से कनेक्ट करने की। तो सबसे पहले अपने दुकान अकाउंट पे लॉगिन करें। डैशबोर्ड के बाईं ओर आपको प्लगइन्स ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करें। गूगल मर्चेंट सेंटर प्लगइन ढूंढकर इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। एक बार प्लगइन इंस्टॉल हो गया तो आपने जो GMC अकाउंट से टैग कॉपी किया था उसे प्लगइन डैशबोर्ड के अंदर जाकर पेस्ट करें। वेरीफाई वेबसाइट बटन पे क्लिक करें। एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो आप अपनी वेबसाइट क्लेम कर सकते हैं उस पे डायरेक्टली क्लिक करके। अब आपका दुकान स्टोर आपके गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट से कनेक्ट हो गया। गूगल मर्चेंट सेंटर प्लगइन आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। अपने बिजनेसेस को GMC से कनेक्ट करना आज की डेट में काफी जरूरी है अपने बिजनेस को स्मार्टली और एफिशिएंटली चलाने के लिए। अगर आप ऑलरेडी दुकान ऐप पर हैं तो देर मत कीजिए, तुरंत जाके GMC प्लगइन से अपने स्टोर को GMC अकाउंट से कनेक्ट करें। ध्यान रखिए, अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स के लिए शॉपिंग ऐड चलानी है तो इसके लिए आपको एक गूगल एडवर्ड्स अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। शॉपिंग एड्स का बहुत ही हाई क्लिक थ्रू रेट होता है और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, स्पेशली बिजनेसेस की शुरुआती दौर में। इसे हम किसी और वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए और अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए दुकान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा।